पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और देखिए अंदर की खबर बताने के लिए बैठे हैं। रत्नेश मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, मेरे सहयोगी। देखिए जेपी नड्डा बिहार आ गए। बिहार में सबसे पहले वो पटना में एयरपोर्ट पर दोनों डिप्टी सीएम उनका स्वागत करते हैं और सीधे वो कहाँ जाते हैं तो सीएम नीतीश के पास जाते हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद रहते हैं। वहां पर करीब देखिए पौने घंटे तक उनकी बातचीत होती है, जो भी बातचीत होती है। अब इस बातचीत के बाद एक खबर काफी चर्चा में है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। जेपी नड्डा से विधानसभा चुनाव के बारे में भी बात हुई, उपचुनाव होने हैं उस पर बात हुई और मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हुई। इस बात की चर्चा हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, सीएम मंत्रिमंडल में विस्तार कर सकते हैं। जब आप कहिए तो हरी सैनी जब मिलने गए थे सीएम से, उस समय से इस बात की चर्चा थी। एक बार और ये चर्चा जो है फ्रेम में आने लगी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं रत्नेश। रत्नेश, अब जेपी नड्डा आए थे अभी तो, हालांकि वो बिहार में ही है, आज वो चले जाएंगे, आज वो दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन इस सीएम नीतीश से वो मुलाकात किए हैं, क्या बात हुई है मंत्रिमंडल को लेकर? अब देखिए खुशी, जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक माहौल बदला है, नीतीश कुमार जब से तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, तब से इस बात की चर्चा है कि नीतीश के मन में आखिरकार क्या चल रहा है। 2022 का वो समय आप याद कीजिए, जब 2021 का वो समय याद कीजिए, जब इसी महीने के आसपास में तेजस्वी यादव बिहार में जाति आधारित जनगणना और देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग को लेकर नीतीश से मिले थे। जब तब नीतीश एनडीए गठबंधन के ही हिस्से में थे और ये नीतीश कहीं नहीं जाएंगे इस बात की लगभग मतलब ये पुष्टि थी खबर की। लेकिन जैसे ही जाति आधारित जनगणना की बात आती है, जैसे ही यही जेपी नड्डा है जिन्होंने जनवरी के महीने में एक बयान दिया था यही राजधानी पटना में आकर कि जो बिहार की छोटी पार्टियां हैं उन्हें समाप्त कर दी जाएंगी, मतलब छोटी पार्टियों का बहुत ज्यादा वैल्यू रह नहीं जाएगा 2024 के चुनाव में, ये सभी को या तो मर्ज कर लिया जाएगा या फिर इन सभी को कहीं और सेट किया जाएगा। अब इन्हीं छोटी पार्टियों के बदौलत वो सरकार में है। जेपी नड्डा को ये पता नहीं था, इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वो हो गए थे कि उन्हें लगा था कि भाजपा अपने दम पर सरकार 2024 में बनाएगी। लेकिन 24 का चुनाव किस हालत में हुआ है, किस परिस्थिति में हुआ है, ये आप सभी को पता है, सभी दर्शक जानते हैं कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू या फिर इनके अलावा जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इन पार्टियों के बदौलत ही ये सरकार इस वक्त देश भर में चल रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उन छोटी पार्टियों पर अब ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो जेपी नड्डा जिस डैमेज को उन्होंने किया था, उस डैमेज को अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही नीतीश तेजस्वी से मिलते हैं, भाजपा को डर लगने लगता है कि भाई अब सरकार हमारी गिर सकती है। नीतीश अगर किसी भी वक्त यहां से हटे तो इतना तय मानिए कि सरकार हमारी खत्म, केंद्र में भी बिहार में भी। मोदी की कुर्सी छिन जाएगी और मोदी की कुर्सी छिनेगी तो भाजपा, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 29 और 29 के बाद वाले समय में भी फिर से सत्ता में आएगी। क्योंकि जो स्थितियां इस वक्त देश भर में हुई है, हरियाणा चुनाव को आप देखिए, जम्मू कश्मीर में देखिए, हरियाणा में जिस तरीके से एक के बाद एक टिकट कटे हैं तमाम विधायकों के, उनमें नाराजगी है। वही स्थिति इस बार भी लोकसभा में बिहार में किया गया, कई जगहों पर दिग्गज लोगों का टिकट काटा गया जिससे उनमें नाराजगी दिखी और कई जगहों पर मतलब सरकार सांसद मतलब अश्विनी चौबे का तो अभी तक नाराजगी दिखता है। बिल्कुल, और अश्विनी चौबे की नाराजगी का ही ये मतलब अगर देखा जाए, बक्सर में चुनाव हारने का नतीजा अश्विनी चौबे के टिकट काटने का ही है, क्योंकि कई जो अश्विनी चौबे के समर्थक थे वो बहुत ज्यादा सपोर्ट उन्होंने नहीं किया, हालांकि विरोधी कर दिया उन्होंने कई जगहों पे जो सांसद वहां पे चुनाव लड़ रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति एक एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट उनका जो ट्रूथ है वो नहीं हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंट फेल कर जा रहा है बार बार। तो हरियाणा में भी भाजपा देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और उस चुनाव को छोड़कर जेपी नड्डा का बिहार आना, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाजपा डरी हुई, सब खेल बिहार से ही जुड़ा। हाँ, भाजपा डरी हुई है, भाजपा को ये पता है कि नीतीश हटे तो हमारी सरकार खत्म। तो जेपी नड्डा को ये टास्क दिया गया है कि जिस बयान की वजह से, आपके बयान की वजह से नीतीश हटे थे, एक बार फिर से आप जाइए नीतीश के साथ जाकर के मिलिए। किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राज्य में अगर हो रहा है चुनाव विधानसभा का, तो वहां पर रहता है, न कि वो बिहार और अन्य राज्यों में, यहाँ तो चुनाव भी नहीं है,
यहाँ तो उपचुनाव है 4 सीटों पर, वो तो भाजपा भी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी संभाल सकते हैं, क्या जरूरत है जेपी नड्डा को बार बार बिहार आना। तो जेपी नड्डा का बिहार आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में खेल होने की संभावना है। और कल का बयान आप याद कीजिए नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि भाई हम इस बार, हम 2 बार गलती कर दी, इस बार गलती नहीं करेंगे। क्या भरोसा है इस बयान का? नीतीश ने जब जब ऐसा बयान दिया है तब 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 वो इसका बिल्कुल। उल्टा किए हैं हमेशा। हाँ तो इस बात से जेपी नड्डा डरे हुए हैं। और कल की जो मीटिंग हुई है, कल अंदर खाने में जो बातें निकल के सामने आई हैं कि 1-1.5 घंटे तक तो उन्होंने बातचीत किया है, वो बातचीत मंत्रिमंडल विस्तार पे हुआ है। बार्गेनिंग करने की कोशिश की गई है जेपी नड्डा से। जेपी नड्डा बार्गेनिंग कर रहे थे कि आप अब कहीं मत जाइए, आप जो कहिएगा सो माना जाएगा, जितनी सीटें आप चाहते हैं उन सीटों पर भी हम बातचीत करेंगे, केंद्र सरकार से जाकर के नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से बातचीत करेंगे। वो बार्गेनिंग हो रहा था वहां पर, वो सिर्फ फोटोबाजी जो दर्शकों के बीच दिख रहा है, जो लोगों के बीच दिख रहा है कि सब खुश हैं, सब बड़े अच्छे से नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, दरअसल वो सिर्फ दिखावा है। लेकिन अंदर से जो बात सामने आई है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हुआ है। आपको पता है कि भाजपा के कई ऐसे मंत्री हैं जो इस वक्त मतलब मंत्रिमंडल में है तो जातीय समीकरण के साथ सेट किया गया है, लेकिन नीतीश कुमार के आंखों पर वो चढ़े हुए हैं। बिल्कुल और भले ही नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन में रहे, चाहे महागठबंधन में रहे या फिर एनडीए गठबंधन में रहे, जिस मंत्री पर उनकी नजर टिक जाती है ना, समझिए मंत्री की कुर्सी भस्म। होता था ना पहले के समय में कि देवता अगर किसी को देख लिए, मतलब किसी असुर वगैरह को, तो भस्म हो जाता था। वैसे ही स्थिति अब दर्शक ये ना समझे कि भाई असुर कहा जा रहा है चाहे कुछ कहा, ये जस्ट एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल दे रहा एक है। और सीएम एग्जाम्पल नीतीश ये है। चीज करते भी हैं रत्नेश, कोई नई आप बात नहीं। देखिए ना, महागठबंधन में जैसे ही नीतीश कुमार की एंट्री होती है, कौन कितने स्वर्ण नेताओं की कुर्सी की बलि चढ़ गई मंत्रिमंडल में। आपने देखा कार्तिकेय मास्टर की बलि चढ़ गई, इसके अलावा कृषि मंत्री के, विधि व्यवस्था की मंत्री के, कई लोगों की मतलब कुर्सी की बलि चढ़ी है। तो नीतीश कुमार से जेपी नड्डा की कल की जो मुलाकात हुई है, ये नीतीश कुमार ने कह दिया है कि कई भाजपा के मंत्रियों का हम इस बार मतलब पत्ता काटने वाले हैं, इसके लिए आप विरोध नहीं कीजिएगा, इसके लिए आप में नहीं कीजिएगा। क्योंकि नीतीश कुमार देखिए भले ही कुछ भी हो, लेकिन नीतीश कुमार अपने काम के बदौलत जाने जाते हैं। नीतीश चाहते हैं कि जिस विभाग में हम मंत्रियों को रखे हैं उस विभाग में काम किया जाए, उस विभाग में मंत्री अपने हिसाब से काम ना करें, समझौता नहीं। तो समझौता नहीं, काम से कोई समझौता नहीं। तो नीतीश चाहते हैं रत्नेश एक सवाल आ रहा है, क्या जेपी नड्डा से ये भी बात हुई होगी कि बीजेपी मंत्रिमंडल का जब विस्तार करेंगे तो बीजेपी के नेता जो है उनकी भी कुर्सी जा सकती है? बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि कई बीजेपी के ऐसे मंत्री हैं जिनकी कुर्सी पर खतरा है इस बार। और जी जी नीतीश, और ये भी नहीं है कि मतलब उनकी उनकी मंत्रिमंडल अगर हट जाएगी तो बीजेपी का कोई विधायक मंत्री नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्री बनाना है। देखिए अमूमन मतलब 36 मंत्रिमंडल होते हैं बिहार में, बिहार जी मंत्रिमंडल में अभी जी वर्तमान में 30 है, 6 सीटें खाली हैं। छह बात। तो हाँ 6 सीटों में कई नए लोगों की वैकेंसी होगी। अब शंकर सिंह जीत के आए हैं, नीतीश का समर्थन उन्होंने किया है, तो उनको भी तो सेट करना है ना। 25 में मान लीजिए कि रुपौली उपचुनाव है, रुपौली उपचुनाव में शंकर सिंह जीत के आए, और वो शंकर सिंह अगर 2025 में बड़ा वोट बैंक बनकर अपने क्षेत्र में आए, उनको मंत्री बना दिया जाए, तो एक एक सीट तो नीतीश कुमार के पास सेफ रहेगा ना रुपौली का। विधानसभा के चुनाव में भी कई ऐसे विधायक है जिनको अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया। आपको याद हाँ होगा कि फ्लोर टेस्ट के समय यही विधायकों की नाराजगी थी कि हम हमेशा भाजपा के लिए, जदयू के लिए मतलब काम करते हैं, लेकिन हमें क्या मिला? यही विधायक भागने के फिराक में थे, हमें मंत्री नहीं बनाया जाता है, बार बार नीतीश कुमार पलटते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है बार बार। तो उन सभी मंत्रियों को सेट करना है। जदयू के अंदर भी कई ऐसे विधायक हैं जिनमें नाराजगी इसी बात को लेकर के रहती है। तो नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में बड़ा फेर बदल करने वाले हैं। जेपी नड्डा ने भी सहमति दिया है कि ठीक है, आप जो ही अपने हिसाब से करना चाहते हैं आप कीजिए, हम उसमें कोई बहुत बड़ा इंटरफेयर नहीं करेगा। जिस हरी सैनी की आप नाम ले रहे हैं, जिस हरी जी सैनी के बारे में आपने बताया, उनके बारे में हम आप सभी दर्शकों को बता दें कि उनकी कुर्सी पर भी खतरा है। बिल्कुल वो हरी से मिल हरी जी सैनी की कुर्सी खतरे में है। हरी सैनी की जो मंत्रिमंडल की बातचीत आप कह रही हैं, वो जी उनकी कुर्सी खतरे में है। इस वजह से वो नीतीश कुमार से बार बार मिलते जा नजर आते हैं। नजर। हाँ देखिए हरी सैनी को क्यों लाया गया था? मल्लाहों के एक वोट बैंक को साधने के लिए। क्या हरी सैनी के वो क्या हरी सैनी ने मल्लाहों के वोट को खींचा? क्या नहीं बिल्कुल खींच पाए। बिल्कुल नहीं मल्लाहों के बिल्कुल एक बड़े नेता के तौर पर आज भी मुकेश सहनी है,
अगर मुकेश सहनी की एंट्री करा दी जाती है एनडीए गठबंधन में, जो कि लगभग तय है कि एंट्री होगा ही होगा, अगर एंट्री कराकर उनको एमएलसी की सीट या कोई कहीं पे सेट करके उनको अगर मंत्री बना दिया जाए, तो नीतीश कुमार के हाथों, एनडीए के हाथों एक मलाहों का वोट बैंक तो रहेगा ना। अगर नीतीश भागते भी हैं तो भाजपा के पास तो एक मलाह का वोट बैंक रहेगा। हरीश सहनी की वजह से बहुत ज्यादा मलाह खुश नहीं रहते हैं, बल्कि उनके नाराज उनसे नाराज ही रहते हैं बहुत ज्यादा। और इतना आप जान लीजिए कि हरीश सहनी अपने विभाग में बहुत ज्यादा काम भी नहीं कर रहे हैं। ये हरीश सहनी की बात हुई, और भी ऐसे कई विधायक हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जो जिनकी वोट कुर्सी बैंक काम काटने का काम नहीं किए हैं। नहीं किए, प्लस वो मंत्रिमंडल में अपना काम भी नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से नीतीश नाराज हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के वो बेचैन रहते हैं, लेकिन बिना नीतीश के सहमति के ट्रांसफर पोस्टिंग होता नहीं है। तो जेपी नड्डा से इसी विषय पर चर्चा हुई है, और जेपी नड्डा जैसे ही बिहार से जाएंगे, आप देखिएगा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, चूंकि अब चर्चाएं तेज हो गई है, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के इस बात की चर्चा तेज हो और ये जाएगी। चर्चा बहुत पहले से थी रत्नेश, लेकिन ऐसा क्यों जब जेपी नड्डा आए तभी इस बात की चर्चा को और हवा, मतलब एक हवा मिल गया, बेस मिल गया कि अब इस बात की और चर्चा तेज हो गई है। देखिए, नीतीश को बार्गेनिंग करने का मौका मिल गया ना, लड्डू जी यादव से मुलाकात हो गई, तो बीजेपी भी डरी हुई है कि भाई किसी भी वक्त नीतीश कुछ भी कर सकते हैं, तो नीतीश को एक बड़ा मौका मिल गया। अब पहले करते तो थोड़ा सा विवाद हो सकता था, लेकिन अब चूंकि क्या है कि तेजस्वी मिल गए हैं, तेजस्वी मिले हैं, तो बीजेपी को इससे डर है कि हो सकता है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार अपने हिसाब से अब हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी पहले विरोध कर सकती थी, लेकिन अब विरोध नहीं करेगी, अब जैसा नीतीश चाहेंगे वैसा ही करेंगे, भले विधायकों की संख्या ज्यादा हो या क्योंकि एक बात तो तय है ना कि मोदी नीतीश की वजह से चल रहे हैं, ना कि मोदी की वजह से नीतीश चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बार्गेनिंग लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं। जेपी नड्डा आज जाएंगे, वैसे ही देखिएगा मंत्रिमंडल में बड़ा विस्तार होगा, और एक से एक दिग्गज मंत्रियों का टिकट जो है आप कटते हुए देखेंगे। कई मंत्री आएंगे भी तो रत्नेश। बिल्कुल, कई मंत्री नए मंत्री भी बनेंगे, कई मंत्रियों का टिकट कटेगा भी, विधानसभा का चुनाव है और उनमें जाति समीकरण भी देखना है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश भुनाने की कोशिश करेंगे, और मंत्रिमंडल विस्तार की आहट बिहार में शुरू हो चुकी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जेपी नड्डा आज भर बिहार में, पटना में है, बिहार में है, दरभंगा वो जाएंगे, एम्स का जायजा लेंगे वहां पर, और उसके बाद आज 7 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना, 8:35 में उनकी फ्लाइट है, 8 वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद बिहार में आप समझिए तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और तमाम चीजें को लेकर एक बार फिर से बिहार में कुछ रणनीति सीएम नीतीश ने बनाई है, उसको एग्जीक्यूट वो कर सकते हैं, क्या कुछ होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। बने रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।